वहीं भारत एक बार फिर से एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें भारतीय टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के आगे श्रीलंका शीर्षित हो गए। वहीं पर फिर शुभमन गिल की अगर बात करें और ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने भारत को 10 विकेट से जीत दिलवाई। इस जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में जश्न है। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं और थक नहीं रहे। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदने के साथ ही भारत 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन गया। और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि टीम इंडिया ने 2018 के बाद पहली बार कोई मल्टीनेशन ट्रॉफी अपने नाम की है। इस जीत के बाद बारी थी जश्न की। श्रीलंका को हराने के बाद जब भारतीय टीम होटल पहुंची तो उनका शानदार स्वागत किया गया। फैंस अपने स्टार्स की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। खिलाड़ियों के साथ पहुंची वो ट्रॉफी जिसे टीम इंडिया ने श्रीलंका को मात देकर हासिल किया। होटल में मौजूद फैंस ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ड्रेसिंग रूम में जीत का जश्न मनाने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी भारत के लिए रवाना हो गए। विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और मोहम्मद सिराज जब होटल से निकले तब भी फैंस उनका इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने खिलाड़ियों को जमकर चीयर्स किया। इसके बाद सभी खिलाड़ी बस में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब टीम इंडिया वतन वापस लौट रही थी। टीम इंडिया की जीत का जश्न सिर्फ कोलंबो में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। गुजरात से बंगाल और यूपी से महाराष्ट्र तक लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वैसे तो भारतीय खिलाड़ियों की दुनिया दीवानी है लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, तैमूर। भारतीय जर्सी पहने यह शख्स पाकिस्तान के क्वेटा का रहने वाला है, जो था तो पाकिस्तान टीम का ही फैन लेकिन अब भारत और उसके खिलाड़ियों का मुरीद है, खासकर मोहम्मद सिराज का। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि दरिया दिली के कारण। जब हम कल रात को होटल की लॉबी में बैठे हुए थे तो इंडियन प्लेयर्स गुजर रहे थे, फैंस उन्हें रोक रहे थे, वो नहीं रुके। लेकिन जब हमने कहा कि हम आपके फैन हैं, हम पाकिस्तान से हैं, तो वो रुके, बाकायदा हमसे मिले, हमसे बातचीत की और हमारे साथ तस्वीरें बनाई। खासतौर पर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी, हार्दिक पांड्या, ईशान कृष्णा, जो मोहब्बत और जो रिस्पेक्ट उन्होंने हमें दी, रुके, हमारे साथ बात की। इवन के उन्हें सिक्योरिटी रिस्क भी था क्योंकि वहाँ पे बहुत रशकश था, लेकिन वो जो रुके, उन्होंने जो हमें रिस्पेक्ट दी, उनकी इस मोहब्बत और उस रिस्पेक्ट ने आज हमें इंडियन जर्सी पहनने पे मजबूर कर दिया। हमारे पास श्रीलंकन जर्सी भी थी, हम यहाँ पे श्रीलंका को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन जो उनकी मोहब्बत और उन्होंने जो हमें एज अ पाकिस्तानी फैन रिस्पेक्ट दी है, आज उसकी खातिर ये मैंने इंडियन जर्सी पहनी और इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। फाइनल मैच की बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने कोलंबो में ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाज बेबस नजर आए। सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। सिराज ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट झटके। 4649वां वनडे मैच ये था। इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है वनडे क्रिकेट की, लेकिन ऐसा कारनामा किसी भारतीय गेंदबाज ने नहीं किया था जो मोहम्मद सिराज ने कर दिखाया। 6 ओवर, 21 रन और 6 विकेट। एक वक्त 16 बॉल के अंदर मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट निकाल दी। तो मोहम्मद सिराज की किसी गेंद का जवाब श्रीलंका के पास नहीं था। मोहम्मद सिराज ने अकेले सिंगल हैंडेडली श्रीलंका की टीम को कर दिया धराशायी और भारत को बना दिया एशिया कप का चैंपियन। सिराज ने मैच ही नहीं दिल भी जीत लिया। सिराज ने अपने मैन ऑफ द मैच की राशि को श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को दे दिया, जो कि काबिले तारीफ है। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि टीम इंडिया जिस फॉर्म में नजर आ रही है उसके साथ अपनी होम कंडीशन में भारत का सामना किसी के लिए भी मुश्किल होगा।
मियाँ का मैजिक।